अभी तक धूबरी डिस्ट्रिक्ट में 374 केसेस टोटल अभी एफआईआर रजिस्टर हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड ये सब एफआईआर में अराउंड 687 है। अभी तक 126 आदमी पिकअप हुआ है। थाना वाइज ब्रेकअप तो सपतग्राम में 3 पिकअप हुआ है, चापर में 9, आगमुनी में 6, गौरीपुर में 17, धूबरी में 24, तामरहाट में 9, बिलासीपारा में 32 एंड गोलागंज में 26। अभी आज भी ये अभियान चलेगा क्या? अभी तो ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो ये ड्राइव है ये तो चलता रहेगा, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एंड अभी तो हमारा जो 374 केसेस रजिस्टर हुआ है उसका जो एज पर लीगल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन चलेगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टाइम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस इज कंप्लीटेड। जो है ब्राइड ग्रूम उसका अलावा किसको और पकड़ के लेके ये जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं ये सब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रन दैट इज पॉक्सो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो ये दोनों लॉ यही बताता है कि जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब लेस देन 18 इयर्स, जिसके साथ जो शादी करते हैं दैट इज़ अ क्राइम एंड वो शादी को जो फैसिलिटेट करते हैं, मतलब वो लड़की का फैमिली हो सकता है, लड़का का फैमिली हो सकता है, कोई उसको जो शादी कराते हैं वो जो सॉलमनाइजर जो बोलते हैं वो हो सकता है। इनफैक्ट प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में ये भी है कि वो शादी का जो फंक्शन है उसमें जो लोग अटेंड करते हैं वो भी दोषी है। तो एंड एज पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रेन पॉक्सो एक्ट में अंडर द एज ऑफ 18 अगर कोई माइनर विक्टिम के साथ कोई फिजिकल इंटरकोर्स हुआ है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ क्राइम। तो इन दोनों सेक्शंस में अभी केस रजिस्टर्ड है। तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है शादी कराने के लिए एंड माइनर विक्टिम का, ये शादी में वो पूरा प्रोसेस में जितने भी इन्वॉल्व है एवरीबडी इज कंसिडर्ड एज एन अक्यूज। 126 में कितना क्या है उसका मतलब? ऐसा ब्रेकअप नहीं है। मैम देखा गया धूबरी में सबसे ज्यादा है संख्या, इसका कारण क्या है? नहीं, इसका अभी कारण क्या है ये तो रिसर्च का ये बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में अभी केसेस रजिस्टर्ड है, धूबरी में 374 है, होजाई में 255 है। तो अभी ये तो एक प्रिलिमिनरी फिगर है एंड दिस इज़ ओनली फेस वन ऑफ द ड्राइव। अभी और इन्वेस्टिगेशन में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो और केसेस रजिस्टर होगा। तो अभी जैसे मैंने बोला, नहीं कट ऑफ ईयर जैसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला कि बिकॉज इट्स द फर्स्ट फेज, अभी तक हमने 2022 में जो शादी हुआ है जो माइनर थे उनका केसेस हम लिए हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारा केसेस मिस आउट भी हो सकता है, ये तो डिफरेंट सोर्सेस से जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके बेसिस पे केसेस रजिस्टर हुआ है। अगर किसी के पास और इन्फॉर्मेशन है कि इस जगह में शादी हुआ है लेकिन पुलिस ने इसमें केस नहीं लिया है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, देन वी विल डू द वेरिफिकेशन एंड केस रजिस्टर हो सकता है। तो अभी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर एज सर्टिफिकेट जो वेरीफाई करके अगर सही निकलेगा, सब लेके आया आधार कार्ड, वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार कार्ड इज नॉट अ वैलिड एज प्रूफ। हाँ, तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कुछ बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिक का एडमिट कार्ड, ऐसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है जो एज प्रूफ के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स अगर दिया जाएगा एंड उसका वेरिफिकेशन करके वो सही निकलेगा तो उसका प्रॉपर लीगल प्रोसेस है वो किया जाएगा। जिस अथॉरिटी ने इश्यू किया उससे वेरीफाई होगा। मैम जितने भी लोगों को पकड़ा गया उसमें इमाम काजी या ब्राह्मण जो है वो... ऐसा अभी हमारे पास ब्रेकअप नहीं है। इमाम नहीं पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा भी गया होगा लेकिन उसका कितना क्या है हमारे साथ अभी ब्रेकअप नहीं है। मैम अगर किसी का शादी फ्रॉड किया जाएगा, मैम 18 साल से पहले हुआ था, अभी उसका इस 18 प्लस है, तो उसके उसका क्या होगा? क्राइम हमेशा ऐसा देखा जाता है जिस डेट में जो क्राइम होता है उस टाइम क्या उम्र था। अगर वो शादी जब हुआ, जब वो अगर माइनर थी, देन दैट इज स्टिल कंसिडर्ड अ क्राइम। मैम सबको फ्रॉड किया जाएगा, कब होगा ये? अभी प्रोसेस चल रहा है, कल रात को सब पिकअप हुआ। ये जैसे आपको पता है कोर्ट का बहुत पेपर वर्क होता है, तो वी आर डूइंग आवर पेपर वर्क। नहीं, अभी जैसे मैंने बोला वी हैव पिक्ड अप 126 पीपल। ये 126 पीपल कितने केस का एफआईआर में इन्वॉल्व है वो सबका अभी हिसाब निकाल रहे हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व एंड बाकी केसेस का भी अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व, ऑल दैट प्रोसीजर इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। ये अभियान चल रहा है, ठीक है, हम लोग भी इसको वेलकम करते हैं क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का विभाग भी है। इस वन ऑफ द ड्राइव अभी और इन्वेस्टिगेशन में
और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो और केसेस रजिस्टर होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे इन्फॉर्मेशन आता रहेगा FIR का संख्या ज़्यादा भी हो सकता है। और बस हम हमें इसके थ्रू एक रिक्वेस्ट ये करना है कि ये तो अभी जो केसेस रजिस्टर्ड है ये ऑलरेडी जो हो गया है उस शादियों के अगेंस्ट अभी केसेस रजिस्टर्ड है, लेकिन हर गांव में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गांव में पता नहीं चलेगा कि कोई घर में शादी होने वाला है। तो ये जो शादी होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले से अगर पुलिस को देंगे दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी इफेक्टिव थिंग, क्योंकि हम वो फिर शादी होने के पहले उसको रोक सकते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन भी हम रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को कि हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपका आइडेंटिटी मतलब आपका नेबर का शादी हो रहा है और आपको बताने में डर लगता है, रेस्ट एश्योर्ड कि आपका आइडेंटिटी सीक्रेट रखा जाएगा। एंड इन्फॉर्मेशन टाइमली अगर पुलिस को दिया जाए या कोई NGO को दिया जाए जिसके थ्रू पुलिस को ये पता चले, देन वी विल टेक स्टेप्स कि ये चाइल्ड मैरिज होने से पहले ही हम इसको रोक सकें। एक बात है, एक कोई इन्फॉर्मेशन आया कि कल रात से ड्राइवर का स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट कोने कोने में बहुत सारा आदमी भाग गया यहाँ से लड़का बच्चा के लेके, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? मतलब ये अभियान जारी रहेगा जब तक वो लोग नहीं आएंगे, उनको ढूंढते रहेंगे। इसका जो मतलब एक लड़का को पकड़ लिया मिसेज घर पे आए, बच्चा जो है उन लोगों को क्या होगा? अभी वो ऐसा कैसे कि 4-5 साल का छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को क्या होगा? बाकी बहुत सारा नहीं, बाकी बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट का, तो जो गवर्नमेंट को जो जैसे स्टेप्स ठीक लगे दो स्टेप्स विल बी टेकन। कैमरा का सामने बहुत ऐसा आया कि एक कोई उन लोगों का गार्जियन बताया कि ये लोग को तो पकड़ के लेके आया, अभी ये मतलब लड़की वालों को कौन खिलाएगा, बच्चा है उनको कौन खिलाएगा? अगर कोई इमीडिएट अगर किसी को शेल्टर चाहिए, हमारा जैसे हम धूबरी डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड केयर फाउंडेशन का होम है, सखी का वन स्टॉप सेंटर है, तो अगर कोई इतना अगर डिस्ट्रेस में है और जो औरत एंड बच्चा का रहने का शेल्टर का प्रॉब्लम है उसका, तो इमीडिएट बेसिस पे देर आर इनफ नंबर ऑफ होम्स जिसको हम शेल्टर दे सकते हैं। एक आप हम लोग का मीडिया का तरफ से कोई नंबर आप लोग दे सकते हैं कि इसी में आप लोगों से कांटेक्ट करें कि ऐसा हो गया? हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर शेयर कर सकते हैं। हाँ। तो पुलिस कंट्रोल रूम में अगर ऐसा कोई डिस्ट्रेस में है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो देन वी कैन टेक कौन सा ईयर के बेसिस में ये जो अरेस्ट हो रहा है, जो केसेस किस के बारे में 372 वो कौन से ईयर से पकड़ा गया? तो अभी जैसे मैंने बोला नहीं, कट ऑफ ईयर जैसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला कि बिकॉज इट्स द फर्स्ट NGO भी इसका साथ में NGO वगैरह भी है। अभी जो फेस वन में जो हो रहा है ये पुलिस एक्शन हो रहा है, जो केसेस रजिस्ट्रेशन, अभी नेक्स्ट स्टेप होगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड लाइन जैसे NGOs, बाकी NGOs जो चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में काम करते हैं, पुलिस, तो गांव गांव में जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, स्कूल लेवल में जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, ऐसे चाइल्ड मैरिज होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, टीनेज प्रेगनेंसी होने से विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी के टाइम मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, बच्चा का भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ये सबको एड्रेस करके एक मल्टी फोल्ड नॉट ओनली पुलिस, सब डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मिलकर देर विल बी एन अवेयरनेस प्रोग्राम, दैट विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन। एज ए ह्यूमन बींग एंड पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है चाइल्ड मैरिज का? मतलब इसमें दो एक तो पॉइंट होगा ना, आप तो कोई बिंदु में आए कि झोपड़ी में इतना इंक्रीजिंग कैसे कैसे हुआ, ये क्या शिक्षा को पकड़ते हैं, कुछ है नहीं? इसमें कई सारे रीजंस होते हैं, मतलब जो सोशियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता है कि ये क्राइम है लेकिन इसका परिणाम क्या है ये पता नहीं है, कि ये जल्दी शादी का मतलब 18 साल क्यों, 16 साल क्यों नहीं, इसका साइंटिफिक रीजंस लोगों को पता नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। जो आपने बोला पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर में दोनों रजिस्टर होगा, मैं अगर उसका चाइल्ड मैरिज जो है जो फैमिली का उसका अगर पेरेंट्स होगा कोई भी अबेटमेंट मतलब कोई भी क्राइम होने से कौन सहाय करता है, वो क्राइम होने के लिए कौन कॉन्स्पिरेसी करता है, वो भी उतना ही कल्पेबल है, उसका भी उतना ही दोष है जिसने क्राइम किया है, तो उस सेक्शन के अंडर इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा। ओके, थैंक यू। ये अभियान चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस। थैंक यू मैम।